नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। गाजियाबाद पुलिस और क्राइम शाखा की टीम ने कोरोना काल में दिल्ली एनसीआर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते देश के प्रख्यात न्यूरोसर्जन मोहम्मद अल्तमश्क और उनके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी शर्म की बात है कि जिस समय लोग कोरोना को मात देने के लिए रेमडेसिविर ढूंढ रहे हैं, लोगों को ये इंजेक्शन मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से लोग लगातार दम तोड़ रहे हैं। ऐसे समय में डॉक्टर रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन के रहने वाले डॉक्टर अल्तमश लंबे समय तक एम्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उनके देश के कई बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा 2 अक्टेमिरा इंजेक्शन व 36,10,000 रुपये नकद और 1 लग्जरी कार भी बरामद की है। अपराध शाखा की प्रभारी इंस्पेक्टर संजय पांडे ने बताया कि डॉक्टर के इस गिरोह की सूचना 3 दिन पहले पुलिस को मिली थी। एक पीड़ित व्यक्ति ने बताया था कि उसने इस गिरोह से 48,000 रुपये में एक इंजेक्शन खरीदा है। इस सूचना के बाद पुलिस टीम गिरोह के पीछे पड़ गई और कैला भट्टा में रहने वाले डॉक्टर के साथ ही कुमैल अकरम को दबोच लिया। इससे पूछताछ में पता चला कि उसे इंदुवाड़ा दिल्ली का रहने वाला जाजिब इंजेक्शन उपलब्ध कराता है। इसके बाद पुलिस ने जाजिब को भी गिरफ्तार कर लिया और उसी की निशानदेही पर डॉक्टर अल्तमश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने जब डॉक्टर अल्तमश को पकड़ा तो आरोपी डॉक्टर ने पहले तो अपनी ऊंची पहुंच की धौंस दिखाई। बताया कि देश के तमाम बड़े नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों से उसके संबंध है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ी कड़ाई की, आरोपी डॉक्टर की सारी हेकड़ी निकल गई। उसने न केवल गुनाह कबूल कर लिया बल्कि अपनी गाड़ी में से इन जीवन रक्षक दवाओं की खेप भी बरामद करा दी। पुलिस ने गाड़ी समेत सारा माल कब्जे में ले लिया है। आगे की अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।